हमारे बीच में बैठे हुए सुधांशु तिवारी जो कि एक युवा है, आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट लागू किया, आप क्या कहना चाहते हैं? बजट में देखिए किसानों के लिए तो खुश खबर है, लेकिन चुनावी समय में जब कमलनाथ सरकार ने युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है, जिसके ऊपर कमलनाथ सरकार जी को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी से रिटायर हुए हमारे भूपेन जी सिसोदिया जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो बजट लागू हुआ है इस 19-20 का, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है उसमें किसानों की तरफ तो काफ़ी ध्यान गया है, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने सिर्फ मिला जुला बजट तैयार किया है। अब देखते हैं सरकार इस बजट में क्या कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन। मैं हूँ राहुल सेन, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। आज लगातार 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता आने के बाद आज पहला बजट पेश हुआ है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे नगर कांग्रेस अध्यक्ष जी से, जो कि संदीप लीले जी, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में बहुत बढ़िया बजट है, इसे एक आशावादी बजट के रूप में कहा जा सकता है, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाते हुए भी अपने इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया माननीय कमलनाथ जी, वित्त मंत्री तरुण भनोट जी द्वारा। और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात इसमें बजट में राशि बढ़ा करके और अलग से किसानों का जो कर्ज माफ़ी हुई उसके लिए भी अलग से राशि दे करके उन्होंने साबित किया कि किसान हितैषी सरकार है। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के संबंध में भी उन्होंने 70% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना होगा, ऐसी कई बहुत सारे बड़े फैसले उन्होंने इस बजट में किए हैं और वो बहुत ही अच्छा बजट कहा जा सकता है जिसे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मेरे साथ में बैठे हुए नितिन जी गंगवाल जो कि एक व्यापारी है, आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट लागू किया है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया उसमें हम व्यापारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और तो और टैक्स में भी कोई कमी वाली बात नजर नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णा जी यादव, आज जो बजट लागू हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो बजट लागू किया है वो उनके घोषणा पत्र के बिल्कुल विपरीत है, उनके वादों के खिलाफ है, उनने मात्र जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया है। जो नगर पंचायत में नगर परिषद में जो मूलभूत पैसा आता था वो पूरी तरह से रोक दिया गया है, इनने सिलेक्ट कर लिए कि ये नगर परिषद भाजपा की है, इसलिए उस जगह पर किसी भी तरह की जो सहायता राशि आती थी वो रोक दी गई है, और आज आम जनता बहुत त्रस्त है, किसान परेशान है, शिक्षक परेशान है, हर विभाग का कर्मचारी पूरी तरह से परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। लगातार 15 वर्ष का वनवास भोगने के बाद आप तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा के अंदर जो बजट पेश हुआ है इसमें सामान्य और ओबीसी को भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इस बजट से हम लोग संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर आम आदमी को राहत मिलना चाहिए जो कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है। बहुत बहुत